हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बिजी के अंदर हम जो इनवॉइस निकालते हैं उसमें जो इनवॉइस नंबर आते हैं, तो काफ़ी लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि उस नंबर के आगे फाइनेंशियल ईयर आए या उस नंबर के आगे उनकी कंपनी के कुछ वर्ड आए या कोई भी जो बिजनेस कर रहा है कुछ भी अपने बिजनेस के आगे लगाना चाहे तो वो कैसे लगाएं, इसको हम कहते हैं कस्टम इनवॉइस नंबर। जो बाय डिफॉल्ट चलता है वो 1 2 3 4 कर कर चलता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कैसे चलता है। आप अपने बिजी को ओपन करें, आप अपनी कंपनी ओपन करें। कंपनी ओपन करने के बाद जब भी आप डिफॉल्ट मतलब कुछ भी अगर इसमें सेटिंग नहीं करते तो आपका बिल नंबर कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे कि ये बिल नंबर 3 चल रहा है। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बिल नंबर 3 है जो डिफॉल्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल जो है 3, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहें, जैसे कि मेरी कंपनी है ABCD, तो अगर कोई चाहता है कि पहले ए आए फिर बी आए फिर 003 करके आए, या फिर कोई चाहता है कि आगे फाइनेंशियल ईयर आ जाए ताकि हम इसको पहचान सकें कि हमारा जो ये इनवॉइस नंबर है वो कब जनरेट हुआ था, कैसे जनरेट हुआ था, या फिर मंथली जो है मंथ आ जाए उसके आगे। तो जिस अकॉर्डिंग भी आप चाहते हैं इस चीज़ को करना आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कहाँ से और कैसे हमें इनेबल करनी होती है। तो जैसे ही आप अपना बिजी ओपन करेंगे, सबसे पहला जो आपको मेन्यू मिलता है वो कंपनी का है, उसके बाद जो सेकंड मेन्यू मिलता है आपको एडमिनिस्ट्रेटर का है, उसके बाद जो है आपको करना क्या है कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है। वाउचर सीरीज में जितनी भी तरह के वाउचर्स होते हैं जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा, तो मतलब कि यहाँ पर सभी जितने भी वाउचर जनरेट होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है वाउचर नंबर लगा सकते हैं। जैसे अभी हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल पे लगा के देखते हैं आपको क्या करना है। जिस पे भी लगाना है आपको उस पे एंटर करना है, जैसे मैंने सेल पे एंटर कर दिया। उसके बाद आपको मेन पे आना है। मेन पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हम इन सभी ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। सबसे पहले आज हम वाउचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही सेल के मेन पे आएंगे तो आपको वाउचर नंबरिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक पे ही जो है सेट करना है आपको। ये किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक अगर करते हैं तो बिल नंबर आपका 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। अगर आप इसे मैनुअल करते हैं तो बिल नंबर आपका वो ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप एक बिल नंबर 1 डालेंगे फिर उसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा वहाँ पे कि बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। और यदि आप नहीं चाहते कि आपके बिल के अंदर कोई भी इनवॉइस नंबर आए या बिल नंबर आए तो आप इसे नॉट रिक्वायर्ड कर दें, बट 99% केसेस में इसको ऑटोमेटिक ही करना होता है क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि ऑटोमेटिक हमारी इनवॉइसेस जनरेट हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डालना है फ्रीक्वेंसी में कि ये जो आप इनवॉइस नंबर है कब मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली जो है ये ईयरली ही चेंज होता है तो आप इसको ईयरली ही ले लें। उसके बाद है आपका प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर इसे नॉट रिक्वायर्ड करते हैं तो आप नीचे भी डाल सकते हैं। एज फिक्स में क्या है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिल के आगे फाइनेंशियल ईयर आ जाए तो प्रीफिक्स में आप यहाँ पे स्लैश लगा दें और यहाँ पे आप बता दें कि आप बड़े 2020-21 ऐसे चाहते हैं आप, या आप सिर्फ 2021 चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चूज कर लें। मोस्टली सभी लोग 2020-21 ऐसे लेते हैं। तो अभी हम इसको लगाकर देख लेते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट आता है हमारे इनवॉइस पे। अब मैं एक नया बिल जनरेट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम पहले नया बिल जनरेट कर रहे थे तब ये सिर्फ हमें 3 नंबर ही दिखा रहा था जो हमारा इनवॉइस जनरेट होने वाला था। अब जो है ये अब हमें दिखा रहा है 2020-21/, और यहाँ पर मेरा बिल नंबर सबसे लास्ट में। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हम कुछ अल्फाबेटिक लगाएं या अपनी कंपनी का नाम लगाएं, तो वो कैसे लगाएं। आप दोबारा से आप यहीं पर आ जाइए वाउचर नंबरिंग में और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रीफिक्स को, जैसे ये प्रीफिक्स है ऐसी सफिक्स है। सफिक्स में क्या है आपका ये आता है जिसमें आपको कोई मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको,
जिस तरह से आपने देखा उसी तरह से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा भी मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था सफिक्स में भी। बट हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ लिखें और अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करें, तो आप इस ऑप्शन को नॉट रिक्वायर्ड कर दें और प्रीफिक्स और सफिक्स को आप यूज़ कर लें। जैसे प्रीफिक्स आपने डाल दिया कि मेरी जैसी कंपनी है, डेमो कंपनी है, तो मैं चाहता हूँ कि डी और सी आ जाए, शुरू में डी और सी आ जाए, फिर उसके बाद स्लैश 2020 और 21 आ जाए, ठीक है, और उसके बाद आप पीछे भी स्लैश लगा दें। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप अपना इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो देखिए, जैसा हमने लगाया था कि हमको शुरू में डीसी चाहिए, फिर उसके बाद 2020-21 चाहिए, उसके बाद हमें बिल नंबर चाहिए, तो उसी हिसाब से ये सेट हो गया। तो बहुत इजी है, अपने तरीके से आप इनवॉइस नंबर को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, किसी कस्टमर केयर पे आपको कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप खुद से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कॉमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।